नोडल अधिकारी ने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत स्वच्छता, पेयजल एवं कोविड की चेन को तोड़ने आदि के संबंध में की समीक्षा बैठक। बैठक के पश्चात कोविड कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट का किया औचक निरीक्षण। इस अभियान के अंतर्गत गांवों में साफ सफाई, हैंडपंप रिपोर्ट कराए गए हैं। गांव में फॉगिंग व सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है। गाँव की नालियों की सफाई आदि कार्य कराए जा रहे हैं। ये कोविड की क्या व्यवस्था जिले स्तर पे हुई है उसको रिव्यू करने के लिए शासन ने हर जिले में नोडल अधिकारी नामित किए हैं, जो माह में एक बार जाके वहाँ की व्यवस्था का मुआयना करना, प्लस कुछ सजेशंस हों, क्योंकि हम लोग भी अपने अपने ज़िलों में देख रहे हैं तो क्या और बेहतर हो सकता है, उसके लिए भेजा गया है। तो आज यहाँ का रिव्यू किया है, जो नई गाइडलाइंस आई हैं आइसोलेशन को लेके, और जो घर पे जो जिनको कोविड हो चुका है, जो घर पे अपना स्वयं आइसोलेशन में रह के इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में नई फैसिलिटीज़, जो केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश में उसके मद्देनज़र जो आगे फैसिलिटीज़ अन्य हॉस्पिटल्स में, जैसे यहाँ सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज का था पहले, तो अभी कई 3 सेंटर्स और खोले गए हैं अलग अलग जगह पर, ताकि L1 फैसिलिटीज़ वहाँ पर और अगर मरीज आते हैं तो वहाँ पे शिफ्ट किए जा सकें, और आपका मेडिकल कॉलेज L2 की तरह प्रॉपरली यूज़ हो पाए। और बाकी संचारी रोगों की क्या व्यवस्था की गई है ग्राम पंचायत लेवल पे, चाहे वार्डों पे, शहरों में, उसका भी रिव्यू किया। उसके बजट का क्या आया है, किस अभी जो बारिश के समय जो बीमारियां फैल सकती हैं उसका रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, तो कुछ सजेशंस दिए। अदरवाइज सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे काम चल रहा है। मैडम, मुजफ्फरनगर मेडिकल स्कूल से कई बार वीडियो वायरल हो चुके हैं, आपके साथ सफाई में कुछ हाँ, तो मैंने अभी यहाँ पे इसका जैसे देखा आपका कंट्रोल रूम, वहाँ पे भी जब आता है शिकायत उसको तुरंत निस्तारित करके, और उसको फीडबैक भी ले रहे हैं मरीजों से कि ठीक है नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप देखिएगा, इधर कंट्रोल रूम में रोज़ हर पेशेंट से बात की जा रही है, और जो भी कंप्लेंट आता है, जो उसको इश्यू होते हैं, वो रिजॉल्व किए जा रहे हैं। थैंक यू।